हमें इंटरनेट पर जब भी कुछ सर्च करना होता है तो हम लोग गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इतने बड़े सर्च इंजन का नाम गलती से पड़ा था? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गूगल के फाउंडर्स यानी कि संस्थापक इसका नाम GOOGLE यानी गूगल रखना चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई कि ये बन गया GOOGLE, जिसे हम आजकल गूगल के नाम से जानते हैं। कितनी अजीब बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का नाम गलती से पड़ा था। क्या आप लोगों को इससे पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि भारत देश के हर सिक्के के सन के नीचे एक ऐसा निशान बना होता है जिसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिक्का कहां पे ढाला गया है? जी हाँ गाइस, अगर डायमंड बना हो तो ये सिक्का मुंबई में ढाला गया है, अगर डॉट बना हो तो ये सिक्का नोएडा में ढाला गया है, अगर स्टार बना हो तो ये सिक्का हैदराबाद में ढाला गया है, और अगर कुछ भी नहीं बना हो तो ये सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। गाइस, आप लोगों ने किसी भी नदी के ऊपर से गुजरते ब्रिज को तो देखा होगा। वो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाया जा सके। लेकिन फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज बना के तैयार किया है जहां से ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को नदी के ऊपर से पास करवाया जाता है। कितना अमेजिंग लगता होगा ना कि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर के पुल से कोई स्पीड बोट निकल रही है। आप लोगों को इस अमेजिंग पुल के बारे में सुनके कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आजकल के स्मार्टफोन में यूज होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि वो जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स के बीच में डिफरेंस कर डालते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी मरे हुए आदमी के फोन को उसी के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करी तो फिंगरप्रिंट सेंसर उसे सेंस करके अनलॉक होने ही नहीं देगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और फोन को कभी अनलॉक नहीं होने देता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी यूज कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ RR का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपने कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी RR का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी ये संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। क्या ये फैक्ट आपको इसके पहले तक पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि टॉम क्रूज अपनी अगली मूवी की शूटिंग स्पेस में करने वाले हैं? जी हाँ गाइज, आपने ठीक सुना, स्पेस में। और ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग रियली स्पेस में की जाएगी और इस काम में टॉम क्रूज की मदद एलोन मस्क की कंपनी SpaceX और NASA भी कर रही है। होगा कुछ यूं कि SpaceX के रॉकेट से सबसे पहले लोगों को और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया जाएगा और उसके बाद वहां पे शूटिंग की जाएगी। सो गाइज, तैयार हो जाइए, फर्स्ट एवर मूवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार एक महिला अपने बच्चों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है और अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल के सेल्समैन को देकर ये कहती है कि मुझे इसे बेचना है। तो सेल्समैन अंगूठी देखने के बाद उस महिला से पूछता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं। तो महिला जवाब देती है कि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और अंगूठी बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। ये सुनकर सेल्समैन का दिल भर जाता है और उसके बाद जितने पैसों की जरूरत उस महिला को थी वो सेल्समैन उसे वो पैसे देता है। लेकिन आंखों से आंसू तब आ जाते हैं जब वो सेल्समैन उस रिंग को भी उस महिला को लौटा देता है। आप इस वीडियो में उस महिला के रिएक्शन उसके बाद देख सकते हैं। गाइज, इसे देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आपको ये इंसानियत का पैगाम कैसा लगा, लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।